हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेयर फाइनली बैक टू एंड अदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो है ना यार दोस्तों, मैं आज फिर फैसलाबाद में हूँ, ठीक है। आज ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे घर में कुछ क्या क्या बाकी है, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में बहुत कुछ होता था, इस सेटअप में बहुत कुछ होता था, आपको पता ही है, पैरट, पिजन, ये वो फलाना, ठीक है, पता नहीं क्या क्या होता था, सही है ना। तो अब ना जब मैं उधर गुजरांवाला गया ना, तो मैं सारे अपने दोस्तों में दे गया था, ठीक है। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ जो मेरे पास अभी रह गए हैं, ठीक है। मैं अभी आपको वो दिखाने लगा हूँ, सारे दो तीन कुछ जानवर रह गए हैं। तो जी सबसे पहले ये मेरी मुर्गी, ठीक है, ये मेरी होम ब्रीड है, मेरे घर की मुर्गी है, सही है। ये जो आपने देखा होगा मेरा जिंग मुर्गा है, ठीक है, ये उसकी बेटी है, और साथ में इसकी माँ थी पत्तियों वाली, यू नो फैसलाबाद में आई थिंक ये ब्लड जाना जाता है इस नाम से, पतियों, ठीक है। तो ये उनकी बेटी है, उसकी बेटी है जी, बहुत ही खूबसूरत नया चीज़, ठीक है। मैं आपको अभी इसका शो कराता हूँ, सबसे पहले इसका आँख देखा, ठीक है, फुल वाइट आँख है, ज़बरदस्त चीज़ है। जो शौकीन होती है वो ऐसे हाथ में पकड़े, मतलब लाइक ऐसे मेरे हाथ में पकड़ी हुई है चीज़, तो वो देख के बता देते यार इसके हाथ में अच्छी चीज़ है। अब मैं आंखें दिखाऊंगा ऐसे करीब करके, टांगे दिखाऊंगा ऐसे, मतलब जो अच्छे शौकीन हैं वो ऐसे दूर चलते फिरते देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, अच्छी चीज़ है बस। तो यार ये है हमारी अगली मुर्गी, ठीक है, ये है आसिफ भाई की होम ब्रीड, यू नो आसिफ भाई, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उन्होंने देखा हुआ है, एक दो ब्लॉग में आए थे आसिफ भाई, ठीक है। ये उनकी होम ब्रीड है और ये बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो इसमें क्वालिटीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देख ली होगी कि मतलब क्या चीज़ है, यू नो ये देखें मतलब, ओके। तो अभी मैं आपको इससे अगली वाली मुर्गी दिखाता हूँ, तीसरी मुर्गी है यार, ठीक है, ये भी फुल रेडी है और फुल मज़े वाली और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, यू नो कि आपने देख ही ली होगी इसकी क्वालिटी क्या है, दूर से ही पता लग जाता है जो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है ना, दूर से पता लग जाता है कि अच्छी चीज़ क्या होती है। तो ये है हमारे पास तीसरी मुर्गी, अभी मुर्गा मेरे पास कोई भी नहीं है, तो अभी हम लेके आएंगे यार कुछ दिनों में ना एक अपना अच्छा सा ब्रीडर मुर्गा मंगवाएंगे, ठीक है। या तो एक मेरा दिल है कि जो चिन्ह है या वो मंगवा लूँ, या फिर कोई और अच्छे से अच्छा ब्रीडर मंगवाऊँ ताकि अच्छी सी ब्रीड निकलवा सकूँ, ठीक है। और उसके बाद मेन जानवर जो है जो मुझसे बहुत लव करता है, आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, जैसे कि सिम्बा, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो भी मेरे साथ इधर बैठा हुआ है, आपको दिखाना नहीं है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा फ्रेश सा बैठा हुआ है, तो मतलब बड़ा एक्साइटेड है कैमरा मैन में, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो यार ये है हमारा सिम्बा, आप सब कुछ जानते हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, और ये बहुत ही ज़िद्दी और बहुत ही शरारती बच्चा है, ठीक है। अभी भी बहुत, अगर मैं इसे छोड़ दूँ ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करेगा, ठीक है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। इसके बाद और हमारे पास एक कैट है, वो अभी पता नहीं कहाँ गई है, बाहर कहीं घूमती रहती है, पता नहीं कैसी कैट है, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम यार ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ढेर सारा प्यार देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।